आदाब दोस्तों दोस्तों पश्चिम बंगाल की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। तीनों के तीनों सीटें ममता बनर्जी के खाते में चली गई हैं। तो आगे हम आपको कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से यहां पर चुनाव जीता है ये दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी जिस तरह से भवानीपुर का चुनाव जीती है उस जीत को बीजेपी अब पचा नहीं पा रही है। जानकारी के मुताबिक अब बीजेपी उनके इस चुनाव रिजल्ट में भी एक नया पेच फंसाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। किस तरह से इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अब इस मामले पर किसी तरह की कोई भी जो है टाल मटोली नहीं होनी चाहिए, अगर आप भी ऐसी राय रखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों ने देखा कि भवानीपुर के अंदर यह बताया गया कि ममता बनर्जी 58,835 मतों से चुनाव जीती है, लेकिन इससे बड़ी जीत ममता बनर्जी की पार्टी की जंगीपुर के अंदर हुई है, उसकी फिलहाल चर्चा नहीं है। तो चलिए उसका भी रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। जंगीपुर में ममता बनर्जी के कैंडिडेट जाकिर हुसैन 92,480 वोटों से चुनाव जीते हैं, इसकी चर्चा नहीं। वहीं अगर बात करें शमशेरगंज की तो शमशेरगंज में अमीरुल इस्लाम जो कि टीएमसी के कैंडिडेट हैं उन्होंने 26,379 वोटों से चुनाव जीता है। और भवानीपुर के अंदर ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरीवाल को 58,835 वोटों से चुनाव हराया है। तो तीनों जगहों पर रिकॉर्ड मतों से ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन उससे पहले अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा दिया है कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव को बेईमानी से जीता है, इन्होंने घपला करवा करके जीता है, गड़बड़ी करवा कर जीता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने पुलिस का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ अपने हिंसक जो उनका रवैया है उसका इस्तेमाल करके इस चुनाव को जीता है। और इसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने इसी मामले पर चुनाव आयोग से मांग कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग से अपील की है कि भवानीपुर के अंदर जबरन उपचुनाव कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस से 5 करोड़ रुपया जो है वो चुनाव आयोग वसूल करे, क्योंकि इसमें खर्चा हुआ है और यह पैसा तृणमूल कांग्रेस दे, चुनाव आयोग यह पैसा तृणमूल कांग्रेस से वसूल करे। यह एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कितना इसमें कामयाब होगे ये देखने वाली बात है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।